मैं जो कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईदी पहुंच जाती आज से पहले, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है, और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा, चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद दो फाइलें मेरे सामने आई, एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया, साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150-150 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँगा। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूं, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूंगा तो इसको होने नहीं दूंगा। मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री की कि उन्होंने कहा कि नहीं सत्ताल, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की ज़रूरत है, मैंने वो किया। और कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हो, सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं हुआ। आते आते मैंने वहाँ एक, आप देखते होंगे आजकल प्रेस में और टीवी में, उसको रोशनी एक्ट कहते थे, फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं, कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता कराया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बिठा दी। अब वो वहाँ जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। तो वहाँ बहुत अच्छी एक लेडी जज चली गई थी, तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम जज साहब के पास चले जाओ। तो वो हाई कोर्ट में चले गए और मिसेज मित्तल करके, मिसेज नीति शादी नहीं हुई थी इनकी, मित्तल थी, उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को पकड़ा दिया। अब सब नेताओं के बंगले कैंसिल हो गए हैं, सब की ज़मीनें कैंसिल हो गई हैं। और मैंने चीफ उसको अपने कमिश्नर को कहा जम्मू के, कि जम्मू के आसपास जितनी सरकारी ज़मीनें हैं उसका सर्वे करो। उसने मुझे बताया साहब ये तो बहुत ज़मीन पड़ी है खाली, लेकिन ये तो आपके हटते ही कब्ज़ा कर लेंगे लोग इस पर। मैं क्यों, कहने ले महबूबा के आदमी को तो देरी नहीं लगती कब्ज़ा करने में, वो तो एक खूंटा गाड़ के भैंस बांध देता है और कहता मेरी ज़मीन है, ऐसे ही ये कर लेगा फारूक अब्दुल्ला। तो मैंने कहा क्या करूं, कह लिए साहब इसको कर दो। मैं कहा मैं इसको बांटने का नहीं हूं, ना मैं इसको बेचने का हूं, आप एक काम करो, मेरे यहाँ 3 कोर हैं आर्मी की, 3 लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ते थे कश्मीर के, इन तीनों को बुला के उन सबों को ये ज़मीन दे दो। मैंने वो सारी ज़मीन फौज को बंटवा दी, बची हुई पुलिस के क्वार्टर बनवाने के लिए दे दी। आज 1 इंच ज़मीन ऐसी नहीं है जिस पे कोई कब्ज़ा कर ले या उसे खा जाए। ये करीब करीब सब जगह हालत है देश की। तो मैं आपसे जो नए जो अफसर आए हैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ जाओ कार्निवोलस फ्लार मत बनना, समाज के दबाव में मत आना, ख़ास तौर से बीवियों के दबाव में बिल्कुल मत आना।
वही खराब करती हैं, बुरा मत माने, वो पड़ोसन की सारी चीज दिखाएंगी, देखो इसके ये है। आजकल एक टीवी में ऐड आ रहा है, वो एक अफसर है, वो जा रहा है अपनी बीवी के साथ अपने मातहत के यहाँ, तो कहता मेरा जूनियर है, तो जाते कहती जूनियर है, घर तो देख कितना बढ़िया कर रखा है, मिसेस शर्मा की साड़ी तो देख कैसी है। तो ये दबाव आएंगे आप पे, ये दूर नहीं है, और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप थोड़ा पैसा कमा लें, बढ़िया गाड़ी लें, बंगला बना दें। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जयपुर में कि जिनके गांव में फूस का घर नहीं था और उन्होंने क्या क्या बंगले बना रखे हैं, वो आपके समाज में भी आके इनाम बांट जाते हैं, आप कभी देखते ही नहीं कौन है कौन।